नमस्कार दोस्तों, ये मेरा खेत है। देखो ये दक्षिण दिशा में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का ये सब स्टेशन लगा हुआ है। यहाँ पे मेरा कुआं है, आगे मेरे चाचा का खेती बड़ी है, और यहाँ पे मैंने गए साल में नारियल का झाड़ लगाया था 5। और ये सारी खेती है, उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, बाकी बाजू की जो खेती है उसमें कुछ तो लगाया हुआ है, मतलब जैसे उसका खेती चल रहा है। और मैं इसमें बांबू लगाने जा रहा हूँ, तो ये इतने खेत में मैं आधे जो आपको आगे जो कुआं दिख रहा है उसके थोड़े दूरी पे, और ऐसा वो हिस्से में मैं बांबू लगाऊंगा, इतना एल शेप छोड़ दूंगा, क्योंकि इतना जगह मेरे को लगेगा। बाकी का मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है, देखो ये चुने से मार्क किया है, यहाँ से लेके इतनी दूरी तक 7 फीट, और ऐसी लंबाई में 7 फीट और ये चौड़ाई 12 फीट। ये आगे होता है वाइट वाइट, और ये देखो पक्षी कितना मस्त बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये मैं कुछ तो हमारी फिल्म सिटी से कुछ तो राइजोम लाया हूँ। ये जो मेरा खेत में लगाने का है बाम्बू का ट्री है, वो मैंने MP से मंगाया है, जो कल आएगा। हवा बहुत है, क्योंकि ये आज की तारीख है अपना 18/6/2023, तो जैसे 15 तारीख से लेके यहाँ पे गुजरात में तूफान का वातावरण था, तो मैं नहीं आया था, इसके लिए मैंने कैंसिल किया था मुंबई से यहाँ पे आने के लिए। और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे मेरा दोस्त एक था, तो उसके पास से मैंने कुछ राइजोम लाया हूँ। ये बाकी के खेत में तो मैं बांबू लगाने वाला ही हूँ, लेकिन मैं राइजोम लाया हूँ जो बाँस का है। और ये बाँस जो है बुद्ध भगवान ने दिया है, तो पहला बांस मैं लगा रहा हूँ, एक ही बांस लगा रहा हूँ, जिसका नाम है बुद्धा बेली, जो मैं आपको उसका राइजोम दिखा रहा हूँ। ये जितने खड्डे किए हैं और जितने बांस लगा रहा हूँ वो अलग अलग वैरायटी के हैं, और बाकी इसमें भी 2-3 वैरायटी का मैं लगाऊंगा। तो पहला बांस बुद्ध भगवान ने जो अपने को बांस का दिया है, तो बुद्ध भगवान के नाम से पहला बांस बुद्धा बेली का मैंने खड्डा मेरे हाथ से किया है इतना, और बाकी का कल हमारे आदमी लोग आएगा। तो ये मैं हमारी फिल्म सिटी से लाया हूँ, तो मैं खुद देखो ये मेरा मतलब हालचाल देखो, ऐसी पोजीशन में मैं खुद बांस का ये खड्डा किया हूँ, सुबह से आके सीधा पटाक से काम करने लगा हूँ। और ये देखिए, ये बुद्धा बेली का राइजोम है, ये बुद्धा बेली बांस का राइजोम है। ये इसकी आँखें है, यहाँ से जैसे नया ये छूटेगा बाम्बू, ये जीवंत 1-2 है, यहाँ से उसका ये टूट गया है निकालते वक्त, और ये देखो ये इसमें भी मतलब फेल हो गया है। तो मेरे ख्याल से बाकी का ये राइजोम जीवंत हो गया, तो इसमें से आगे और बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है होएगा ही होएगा, क्योंकि बांस की जाति ही ऐसी है कि वो कहीं पर भी टूटता नहीं है। तो ये भी आँख इसका जीवंत है, तो यहाँ से नया फुटवे निकलेगा, और इसको मैं अभी थोड़े ही देर में लगाने वाला हूँ। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये है बुद्धा बेली, देखो ये अपने पेट के जैसा रहता है, इसकी छोटी छोटी गांठें रहती है, और ये बहुत बेस्ट लगता है दिखने में। और ये बुद्धा बेली, और ये मुझे जहाँ तक ख्याल है तब तक ये लाठी बांस है, जो इतना पतला पतला ही होगा, तो ये लाठी बांस है, ये भी मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लाया हूँ। तो इसी तरह से ये भी लाठी बांस है, इसका भी राइजोम आप देखिए, ये है, यहाँ से हो सकता है से निकलेगा, यहाँ से भी निकल सकता है, तो ये भी राइजोम भी लगा के देखता हूँ क्या होता है, फिर मैं अगले साल आपको दिखाऊंगा। आज की तारीख मैंने बोला है आपको 18/6/2023, ये देखिए ये कौन सा है, बहुत छोटा राइजोम, कौन सा है ये देखिए, ये है येलो वल्गरिस है, ये सबसे छोटा दिखता है, लेकिन ये
ये जब मैं दिखाऊंगा आपको ये हो जाएगा, उसके बाद आप देखना उसकी करामत। ये येलो वल्गरिस है, इसके अंदर राइजोम जीवंत है। इसे मैंने वैसे मैंने घर पे रख दिया था, लगाना ताबड़तोड़ चाहिए, लेकिन यहाँ की पोजीशन ठीक नहीं थी, इसके लिए मैंने आना कैंसिल कर दिया। और ये है ग्रीन वल्गरिस, ये देखिए, ये मैंने 4-5 दिन घर पे रखा था। इसमें देखिए कितना सारा ये निकला है। ये जब बड़ा होएगा ना, जब ये इतना सारा एरिया को कवर कर लेगा, ये जो आपको खाली कवर दिख रहा है ना, ये सारे के सारे एरिया को कवर कर लेगा, यानी कि 300 से 400 तक इसमें बाम्बू आ सकता है। ये भी हमारा यहीं से ही लाया हूँ, मुंबई से ही, फिल्म सिटी से। ये देखिए ये राइजोम है, राइजोम लाया मैंने पूरा 5 का बना लिया है। ये मेरा दोस्त वहाँ पे था, उसने दिया था। ये दिख रहे हैं आप, यहाँ से सब निकलेगा। तो इसको मैं खड्डा किया हूँ, उसको खाद भी डाल के, गोबर का खाद डालूंगा, गोबर का खाद ये वाला मैं उसमें डालूंगा थोड़ा, और थोड़ा मिट्टी डालूंगा। इसके बाद फिर उसको मट्टी से ऐसा दबा दूंगा। ये मैंने लगा दिया है ऐसे ही, ये भी वही है जिसको मानवेल बाम्बू बोलते हैं मुंबई में। ये मानवेल, ये देखिए, ये भी, ये भी राइजोम है, सारे के सारे राइजोम ही है। ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये जो है ये फेल हो गया है, इसका ये जीवंत है, ये है जीवंत, ये देख रहे हैं आप, ये भी जीवंत है, और ये भी जीवंत है, ये भी है। तो ये भी इसका राइजोम है, और बाकी का जो है ना, बारिश हो जाएगी अभी तो उसका काम फटाफट करेगा आगे का। तो ये खड्डा किया है मैंने, और ये राइजोम देखिए एकदम कमाल का, एकदम फुल कमाल का। देखिए देखिए मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये देखो, ये है इसकी आंखें देखो, यहाँ से ये सब कॉम निकलेगा। तो ये राइजोम है, और इसको लगाता हूँ मैं, और ये भी वही है देखो, इसमें भी है। इसको बारिश होएगा ना, फटाक से जीवंत होएगा, देखो एकदम तोप के गोले की तरह। तो ये भी राइजोम है, ये देखो, ये भी राइजोम है, एकदम जीवंत आंखें हैं इसकी। तो ये सारे मैं लगाने वाला हूँ, और ये सारे खेत में वही लगेगा, ये देखो। और ये मेरा चाचा का लड़का है, देखो ये हमारा बड़ा भाई है। तो दोस्तों आपने देखा, तो इतना 10-15 मैं खुद लगाने वाला हूँ, मतलब जो लाया हूँ उधर से मुंबई से, वही राइजोम है। फिर बाकी आगे मैं आपको दिखाऊंगा अगले साल इसी तारीख को इसको, और बाकी इसमें जो खेत में लगाऊंगा उसका भी वीडियो मैं कल बनाऊंगा, क्योंकि वो कल आ रहा है मटेरियल मध्य प्रदेश, तो उसका भी वीडियो मैं डालूंगा। और ये वाला मैं कल दिखाऊंगा, ये देखिए उसका निशान, ये नीम का झाड़ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का खंभा लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने जो नारियल का झाड़ है उसके बाजू में ये सारे झाड़ लगाए हैं। एक साल के अंदर कितना इसका रिजल्ट परिणाम आता है मैं आपको अगले साल दिखाऊंगा। तो मुझे ज़्यादा इतना बाम्बू के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं बाम्बू का रिसर्च 3 साल से करता था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद खेत में लगा रहा हूँ। तो आपको अगले साल में दिखाऊंगा। धन्यवाद।